आया भारत में सोना, 50,000 के करीब पहुंची भारत में सोने की कीमत। महंगाई सोने की जगह डॉलर को सपोर्ट कर रही है। आज को ऑल टाइम हाई के बाद सर्राफा बाजार में गिरावट देखने वाला है। और अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो क्या आपको सोना इस भाव पर खरीद लेना चाहिए या और दाम घटने का इंतजार करना चाहिए? अगर आप भी सोना या चांदी में निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। अगर आप भी सोने और चांदी की खरीदारी करने वाले हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर आ चुकी है। जी हाँ, जल्द ही सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आ सकती है, सोने का भाव सस्ता हो सकता है। सोने और चांदी की कीमतों को लेकर बड़ी खबर है कि फीकी पड़ सकती है सोने की चमक। अमेरिकी सेंट्रल बैंक का ये कदम गिरा सकता है भाव। जी हाँ, सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आ सकती है। दरअसल फेड के बयान के बाद सोने में गिरावट आ सकती है। सबसे पहले तो आप सभी को बता दे कि भारत में सोने और चांदी के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर तय होते हैं, यानी कि न्यूयॉर्क गोल्ड बुलियन एक्सचेंज से सोने और चांदी के भाव तय होते हैं। वहां पर सोने और चांदी के भाव में गिरावट आती है तो भारत में भी सोने का भाव सस्ता हो सकता है। ऐसे में कारोबारियों का मानना है कि जल्द ही भारत में सोना काफी सस्ता होने वाला है। खबरों की माने तो आप सभी को बता दे कि फेडरल रिजर्व ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है जिसके बाद सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है। बाजार के जानकारों का मानना है कि फेडरल रिजर्व ने महंगाई को लेकर बड़ी खबर दे दी है। बाजार के जानकारों का मानना है कि अभी भी महंगाई दर कम नहीं हुई है, इसका असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ सकता है। बाजार के जानकारों का मानना है कि फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर को लेकर भी बड़ी जानकारी दे दी है। उनका मानना है कि अगर महंगाई दर कम नहीं होती है तो ब्याज दर को बढ़ाया जा सकता है और कई सारे ऐसे कदम है जो उठाए जा सकते हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। सोने का भाव $15 तक गिर गया। जी हाँ, पहली बार सोने के भाव में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कारोबारियों का मानना है कि इसका असर एशिया के कई सारे सर्राफा बाजार पर देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का सीधा असर भारतीय सर्राफा बाजार पर भी देखने को मिलेगा, यानी कि सोने का भाव सस्ता हो जाएगा। इसी के साथ में आप सभी को बता दे कि भारत में सोने का भाव सोने का भाव 5 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुका है, यानी कि लगातार सोने के भाव में गिरावट देखने को मिली है। सोने का भाव काफी सस्ता हो चुका है, ऐसे में कारोबारियों का मानना है कि सोना और सस्ता हो सकता है, सोने के भाव में गिरावट आ सकती है। अगर आप भी चाहते हो कि भारत में सोने का भाव सस्ता होना चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और गोल्डन बीज को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें।